उधो तुम हो अति बड़भागी अपरत रहत स्ने तगा। इस पूरे पद में सूरदास जी कहते हैं, गोपिया बुद्धि से कहती है कि हे उत्तम, सचमुच में भाग्यशाली हो क्योंकि तुम प्रेम बंधन से बिल्कुल अछूते हो अर्थात स्वतंत्र हो और ना ही तुम्हारा मन किसी के प्रेम में अनुरुक्त हुआ है। जिस प्रकार कमल के पत्ते जल के अंदर रहते हैं परंतु वे जल से अछूते ही रहते हैं, पर जल की एक बूंद का भी ठप्पा नहीं लगता और जिस प्रकार तेल की मटकी को जल में रखने पर जल की एक बूंद भी उन पर नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम कृष्ण के समीप रहते हुए उनके प्रेम बंधन से स्वर तथा मुक्त हो। तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पांव ही नहीं डुबाया था, तुमने कभी किसी से प्रेम ही नहीं किया है, ना ही किसी से कभी रूप लगावन ने तुम्हें आकर्षित किया है। गोपिया उद्देश्य से कहती है कि हम भोली भाली अब लाए और हम कृष्ण के प्रेम में पक गई है, उनसे विमक्ष नहीं हो सकती। हमारी स्थिति उन चीड़ियों के समान है जो गुड़ पर आकर्षक होकर चिपट जाती है, फिर स्वयं को छुड़ा न पाने के कारण वह वहाँ प्राण त्याग देती है।